जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आपका NDA1 2024 एग्ज़ाम के लिए जो डेट सिलेक्शन लिंक था दोस्तों, वो ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आपको डेट कैसे चूज करना है और कब तक आपका डेट सिलेक्शन लिंक ओपन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ आपका जो है 153rd कोर्स के लिए NDA और 115th कोर्स के लिए NA, वो दोनों के लिए आपका जो है डेट सिलेक्शन लिंक 7 जून 2024 से लेकर 14 जून 2024 तक खुला रहेगा 3 बजे तक। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि डेट सिलेक्शन लिंक चूज कैसे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखना है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, फिर आपने कहीं कोचिंग कर ली है कि नहीं अभी तक, और जो आपका जो डेट सिलेक्शन लिंक के बाद जो टाइम दी जाती है शायद वो मतलब 2 वीक्स, टू और 15 to 20 डेज यू कैन टेक आफ्टर योर डेट सिलेक्शन लिंक द SSB डेट स्टार्ट। तो आप उसी के अनुसार अपना डेट चूज करना, क्योंकि दोस्तों यदि आपका प्रिपरेशन सही नहीं है तो फिर आप वहाँ जाओगे पहले दिन में ही वापस आ जाओगे। और जिनका प्रिपरेशन सही है दोस्तों, वो ट्राई करना कि आप पहले डेट ही ले लो, पहला और पहले दूसरे डेट में कोई एक डेट ले लो, क्योंकि जिनका प्रिपरेशन सही है दोस्तों वो उनके लिए बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि फर्स्ट डेट जो होती है, जो भी आपका डेट होगा जिस भी सेंटर पे, तो फर्स्ट डेट आप ट्राई करना कि ले लें जिनका प्रिपरेशन है, जिनको लगता है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ तो वो पक्का इसे लें। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट डेट लेने का एडवांटेज ये रहता है दोस्तों कि जो वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट आते हैं वो कम आते हैं, कई सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट, वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं उनके प्रिपरेशन को लेकर, और वो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लास्ट डेट ही चूज करें। तो फर्स्ट डेट पे दोस्तों काफ़ी कम अटेंडेंस रहती है और इसमें थोड़ा सा हाई चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब डेट चूज कर रहे हो तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो दोस्तों तो पक्का से आप फर्स्ट डेट नहीं तो सेकेंड डेट ले लो, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप ऑब्वियस ही बात है आप लास्ट डेट लो, फिर भी उसके लिए प्रिपरेशन करना है दोस्तों, क्योंकि आपका जो SSB का जो विंडो खुलता है वो डेट सिलेक्शन लिंक के बाद अराउंड 20 to 25 डेज में आपका डेट SSB शुरू हो जाता है, जो मेन SSB होती है जो, तो इसके अनुसार आप अपना डेट चूज कर सकते हो। और दोस्तों बात रही कि प्रैक्टिस की, तो दोस्तों देखो अभी तक आपने अगर कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया है तो एक बार आप एक्सपोजर ज़रूर ले लो दोस्तों, क्योंकि बिना एक्सपोजर को आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि आप नहीं लोगे नहीं लोगे लेकिन आपके साथ जो जितने भी लोग आएंगे वो कोचिंग करके ही आते हैं, तो थोड़ा सा आप पीछे रह जाओगे इन सब मामलों में। तो आप एक बार एक्सपोजर ले लो कहीं भी कोचिंग से, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सपोजर नहीं रहेगा तो फर्स्ट टाइम में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप नहीं रिकमेंड होगे, आप हो सकते हो, लेकिन कई सारे कैंडिडेट का 100 में सिर्फ 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में जाकर बिना कोचिंग वगैरह के रिकमेंड हो जाते हैं। लेकिन आप ट्राई करना कि एक बार एक्सपोजर ले लें, उसके बाद कोचिंग, उसके बाद आप एक बार कॉन्फिडेंस वगैरह आ गया तो आप जाकर वहाँ पे अटेंड करो SSB, क्योंकि आपके जो जितने भी दोस्त आएंगे सारे कहीं ना कहीं से कोचिंग वगैरह लेकर ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही मुंह उठा के आ गया वहाँ पे। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और डेट सिलेक्शन के लिए दोस्तों मैं बता दिया कि आपको क्या करना है, यदि आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो ट्राई करो मैक्सिमम फर्स्ट नहीं तो सेकेंड डेट में आप ले लो, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप ट्राई करो लास्ट डेट लेने के लिए, और उस लास्ट डेट लेने का जो टाइम पीरियड है दोस्तों उसको बढ़िया से यूटिलाइज करो। अभी से जो लास्ट डेट का आपका टाइम रहेगा काफ़ी रहेगा, तो आप बढ़िया से उसको यूटिलाइज करो और उसके अनुसार आप अपना डेट चूज कर सकते हो। और जो भी है OIR प्रैक्टिस के लिए, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको OIR के लिए कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो दोस्तों OIR भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको भी आप ढंग से करके जाना, ये नहीं कि आप ऐसे ही उठ के चले गए वहाँ पे कुछ करके नहीं आए, ऐसे ही कुछ कुछ मार के आ गए, तो OIR को भी आपको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार आपको प्रिपरेशन भी करनी है दोस्तों। OIR इज़ ऑल्सो प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन, सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर OIR एज वेल एंड यू हैव टू वर्क अपॉन द होल SSB प्रोसेस एज वेल। तो यही है दोस्तों डेट सिलेक्शन के लिए, वही जो
वेल प्रिपेयर्ड हैं वो अपना चूज कर सकते हैं फर्स्ट डेट, और जो नहीं प्रिपेयर्ड हैं वो अपना लास्ट डेट चूज कर सकते हैं। इसमें और कोई नई बात नहीं है दोस्तों। और रही बात की आपका प्रिपरेशन का, तो आप ऑनलाइन पे कई सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं दोस्तों, आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आप अगर चाहते हो तो आप एक बार कोचिंग भी जा सकते हो, ताकि आपको एक ऑफलाइन वाला एक्सपोजर मिले। GTO वगैरह में जो चीज़ें होती है वो ऑनलाइन समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार ऑफलाइन जाते हो तो GTO में जो टास्क होते हैं PGT, SGT और कमांड टास्क वगैरह, उसके लिए आप एक्सपीरियंस कर लो जाके एक बार ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में। कहीं भी जा सकते हो दोस्तों, सारे कोचिंग ठीक ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।